आज प्रकाश पर्व है, गुरुद्वारे सजे हुए हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही सिख पंथ के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव ने लोगों को प्रेम, एकता, समानता और एक ईश्वर का संदेश दिया था। गुरु पर्व से ठीक पहले गुरु नानक देव जी से जुड़ा अहम स्थान दरबार साहिब गुरुद्वारे के लिए बना करतारपुर कॉरिडोर भी खुल गया है, लेकिन करतारपुर में दर्शन को लेकर राजनीति की जंग छिड़ी हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कौन पहले माथा टेकेगा, किसने खुलवाया कॉरिडोर? कल करतारपुर कॉरिडोर खुलने के दूसरे दिन ही सिखों की नुमाइंदगी करते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सरकार के साथियों के साथ नानक दरबार में माथा टेका। अरदास लगाने चन्नी अकेले नहीं गए, बल्कि कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ थे। उनके साथ पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह, मनप्रीत सिंह बादल और विजेंदर सिंगला भी मौजूद थे। इसके अलावा पंजाब के विधायक हरप्रताप सिंह अजनाला और वरिंदरजीत सिंह पहरा ने भी सीएम के साथ दरबार में हाजिरी लगाई। चरणजीत सिंह चन्नी का परिवार भी उनके साथ दर्शन के लिए पहुंचा था। इसलिए दोवें सरकारां दा, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दा ते पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हां कि जो सिख कौम दी अरदासां सी ओ पूरियां होईयां। लेकिन इस जत्थे में नजर नहीं आए पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने कल ही इस जत्थे में शामिल होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन रेस में पिछड़ गए। सिद्धू को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के जत्थे में जगह नहीं मिली। शुक्रवार को पंजाब सरकार का जो दूसरा जत्था जाएगा उसमें भी सिद्धू शामिल नहीं है। उनका नंबर शनिवार यानी 20 नवंबर वाले जत्थे में आएगा। माना जा रहा है कि सिद्धू को इजाजत ना मिलने की वजह ये तस्वीरें भी हैं, क्योंकि पिछली बार करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त सिद्धू और पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की इन तस्वीरों पर काफी विवाद हुआ था। सिद्धू को पहले जत्थे में जगह न मिलने पर तंज कसे जा रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि जिस जिसको नानक का संदेश आएगा वो माथा टेकेगा, और आज हमको आया हम टेकेंगे, जब अगले दिन किसी और को आएगा वो टेकेगा। नानक जी की कृपा जिस पर होगी वही उसका दर्शन करेगा। भारत सरकार ने सारे कैबिनेट दे वजीर साहबान ते एमएलए साहबान या प्रदेश सूबे दे प्रधान साहबान जिन्होंने जदों भी परमिशन मंगी है ते सब नूं फेज्ड मैनर च दित्ती गई है। कुछ लोगों नूं अज परमिशन मिली है, कुछ नूं कल मिली है, कुछ नूं परसों मिली है। पहला भी नवजोत सिंह सिद्धू साहब उरे आए सीगे अरदास करन वास्ते। पंजाब सरकार ने करतारपुर में दरबार साहिब के दर्शन के लिए 50 लोगों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसे सरकार ने तीन जत्थों में बांट दिया, जिसके पहले जत्थे में सीएम चन्नी ने दर्शन किए। अब शुक्रवार को डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के साथ एक जत्था जाएगा और फिर अगले दिन सिद्धू का नंबर आएगा। वहीं पहले दर्शन के लिए राजनीतिक दलों में भी मार थी। सीएम चन्नी के पहुंचने से पहले ही बीजेपी नेताओं का एक जत्था पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में करतारपुर में दरबार साहिब पहुंच गया, लेकिन आम आदमी पार्टी को अनुमति नहीं मिली तो उसने मोदी और चन्नी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और गुरुपूर्व के एक दिन पूर्व हम सबको नानक जी ने वहां बुलाया, इसके लिए शुक्राना अदा किया, क्योंकि बिना नानक की कृपा से उनके दर तक कोई नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी को परमिशन में कोई परेशानी नहीं आई और मोदी सरकार ने इमीडिएटली पॉलिटिकल क्लीयरेंस और सारी परमिशंस कांग्रेस के विधायकों को एमएलएस को दे दी, लेकिन आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन जिसमें हमारे पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत मान जी उनकी लीडरशिप में हमारे सारे एमएलएस पंजाब सूबे के जाना चाह रहे थे, मैं खुद जाना चाह रहा था, हम सबको परमिशन नहीं दी गई और हम सबकी क्लीयरेंस चन्नी सरकार और मोदी सरकार ने रोक दी। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि मोदी सरकार और चन्नी सरकार में एक मैच फिक्सिंग है, एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये लोग काम करते हैं और उनका एक ही मकसद है कि पंजाब में किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को रोको। करतारपुर कॉरिडोर पिछले करीब 20 महीनों से बंद था, अब खुला है तो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।